नो वंस यू मेक आ टीचर एंड यू हैव टू टीच इट टू वेरियस क्लासेस एंड वेरियस ग्रेड्स इस बात को याद रखिए कि जो छोटा ग्रेड होता है छोटे बच्चे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट में ये नहीं होता कि फ़रिश्ता क्या है अब ये आपने उनको एक इंतहाई दिलचस्प तरीके से समझाना है कि फरिश्ता क्या होता है और इस फरिश्ते का नाम भी सिखाना है साथ ही साथ उनको लिखने की प्रैक्टिस भी करवाइए क्योंकि आपने अभी जो आयात सुनी तो उसमें कलम का ज़िक्र था कि कलम के ज़रिए हमने इल्म सिखाया तो उस कलम को इस्तेमाल कीजिए और छोटे बच्चों को दोबारा बिठाकर बड़े आराम से बड़े सुकून से ये समझाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या मखलूक़ात हमारे लिए पैदा की हैं एक इंसान है और फरिश्ते हैं और यहीं तक अपने आप को महदूद रखिए और फिर हज़रत जब्रैलाम का नाम भी उनको ज़रूर बताइए कि वो कौन थे उनका क्या काम है और सीनियर ग्रेड्स को आप दूसरे तीन फरिश्तों के नाम भी ज़रूर बताएं जिनका तस्करा हमने नहीं किया लेकिन मरूफ़ चार फरिश्ते हैं जिनके नाम हम तक पहुँचते हैं और उनकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं अपने अपने फ़्राइज हैं और हज़रत जब्राई इस्लाम का फ़र्ज़ ये है कि वो जाते हैं और पैगम्बरों से गुफ्तु करते हैं वो गुफ्तु जो अल्लाह रब्लत ने फरमाई होती है और वो काम जो अल्लाह रबुल्ज़त जिसका हुक्म देता है सीनियर ग्रेड के वही के बारे में काफ़ी वजाहत से बताइए कि वही क्या होती है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है और ज़ रसूल सल्ला वसम जिस तजुर्बे से गुज़रे ये वही ही थी और बाद में सारा कुरान हकीम इसी तरह से वही की सूरत में नाज़ल हुआ और उनको भी हज़रत जब्राईल इस्लाम के जो फ़्राइज़ हैं जो कुछ उन्होंने किया जो कुछ वो करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे करवाता है वो सारा कुछ बताइए बेहतर ये है कि आप उनको वो सारे नाम जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे उनको याद करवा दें और ये जो पांच पहली आयत हैं अलक की ये उनको ज़बानी याद करने का टास्क दें दिस शुड बी देयर होमवर्क बट डोंट गिव दम जस्ट वन डे और जस्ट टू डेज गिव दम एनफ टाइम एज़ यू कंसीडर बिकॉज़ यू नो ऑल दोज चिल्ड्रेन यू नो देर माइंडस यू नो देर बिहेवियर यू नो देर इंटरेस्ट यू नो देर एबिलिटी टू पिकअप और इन सारी चीज़ों को मद्द नज़र रखते हुए आप ये टास्क उनको दीजिए कि आपने ये आयात ख़ुद भी देखनी है ताकि वो कुरान हकीम में देख सकें ख़ुद पढ़ें ख़ुद उसका तर्जमा भी करें और उनमें एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आए क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे इब्राई सलाम नेसूल सल्लाम को किस तरीके से कितनी मरतबा सबक रिपीट करवाया ये चूँकि अरबी है इसलिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगी तो उनको बार बार दोहरा के आप उनसे सुनिएगा भी ताकि हमारा मकसद पूरा हो जाए कि इनको हमने वो सिखा दिया जो हम सिखाना चाहते